हाँ जी नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा चार स्टेप्स में हम कैसे अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करेंगे, कैसे ये चार स्टेप्स को अमल करके मैं अपने जो सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उसको मैं रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चार स्टेप्स को समझने से पहले हमको अपने ब्रेन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसने हमारा ब्रेन, अपना ब्रेन समझ लिया, उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ब्रेन को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से कि आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं और इसी वीडियो के बीच में कमर्शियल आता है ऑफ अ ब्रांड न्यू कार, एक बहुत ही खूबसूरत, लेट्स से BMW की रेड कलर की कार, बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसका एड आता है, 30 सेकंड का आता है और आपने स्किप नहीं किया क्योंकि आपको देख के मजा आ गया, आपकी आँख खुली खुली रह गई। अब आप उस एड को देखते देखते आपके दिमाग में आने लग गया, यार क्या खूबसूरत कार है, ये मुझे चाहिए, जिंदगी तो इसी के साथ है यार, लाइफ में कुछ करना है बड़ा यार, ये ऐसी कार मैं डिजर्व करता हूं। आपने ये वीडियो तो पूरा देखा, यूट्यूब पे रहा, बट दिमाग में आपके वो रेड कार चलती रही। आप बार बार उसके बारे में सोच रहे थे, लगातार सोच रहे थे, और जब आप अपने घर से बाहर निकले, आपके सामने ज्यादातर रेड कार्स आने लग गई, और थोड़ी देर बाद वही ब्रांड न्यू सेम BMW की रेड कलर की कार आपके सामने से गुजरी, आपकी आंख फटी की फटी रह गई और आप कह रहे, अरे ये कैसे हो गया। आई एम श्योर आपके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और वो आपके सामने प्रकट हो गई। इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको समझाता हूं। हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह हमारा पूरा ब्रेन है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। अब हमारा ब्रेन भी तो ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन से, हर जगह तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, घर से बाहर निकलते हैं तो बोर्ड्स एडवर्टीजमेंट के होते हैं, इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे हमारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूजलेस हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब मुझे उस कंप्यूटर में कुछ सर्च करना है, कोई भी फाइल मैंने सेव की है तो मुझे सर्च करना है, तो मैं उसको टाइप करूंगा, वो फाइल सामने आ जाएगी। इज द सेम वे हमारा ब्रेन वर्क करता है। हमारे अंदर जो इतनी सारी ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन, उसमें मेरे दिमाग में क्या आया, वो BMW की रेड कलर की कार, और मैं उसके बारे में सोचने लग गया। और हमारा ब्रेन जैसे बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, उसके अंदर पावर होती है कि वो फिल्टर कर देता है हमारे थॉट्स को, और वो फिल्टर कैसे करता है, कंप्यूटर में हम सर्च करते हैं तो वो सामने आ जाता है, और ब्रेन में जब हम उसके बारे में जानबूझ के या ज़्यादातर सोचते हैं तो वो चीज़ सामने प्रकट हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप उस थॉट के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन टैग करने लग जाएगा वो थॉट। और हमारे माइंड में एक लिस्ट होती है ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं डेलिबरेटली जानबूझ के या दिन भर सोचता हूं, जैसे कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड कराना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो top 10 लिस्ट हम कह सकते हैं। तो उसी चीज में अगर आप ये कार के बारे में लगातार सोचेंगे तो वो भी आपकी लिस्ट में आ जाएगी, और वहां से जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, जो जिसको चेतन मन हिंदी में बोलते हैं, जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, वो सिग्नल देगा मेरे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे अपनी लाइफ में प्राप्त करनी है। और सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो पूरा वाइब्रेशन पे वर्क करता है, और ये यूनिवर्स है, ये पूरा वाइब्रेशन पे भी वर्क करता है, तो वो एक कनेक्शन बन गया, और ऑटोमेटिकली आप ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोस में प्रकट हो गए जहां से वो कार निकली और आप वहां पे थे, उसको देख रहे थे। कहीं ना कहीं से आपको मौका मिलेगा उसको टेस्ट ड्राइव करने का, या आपका कोई रिलेटिव शायद उसको खरीद के लाएगा और आपको दिखाएगा, देखो मैंने एक कार ले ली है। कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट दैट कार। ये होता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। अब इस एग्जाम्पल को, रेड कलर की BMW कार को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि हम अनअवेयर हैं, हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, तो हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, फैमिली की बात हो, हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। पहली बात तो हम ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन से, हम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से, इतने ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, और जो भी चीज मैं सोच रहा हूँ हासिल करने के लिए वो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, और आप फिर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सारी शक्ति आपके अंदर ही है। जिस इंसान ने ये चीज समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, अमल कर ली, उसकी जिंदगी में वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देगा, वो जो सपना, वो जो गोल है, वो उसको प्राप्त करेगा ही करेगा। ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं।
हर चीज एक वीडियो में समराइज नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स बना के आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसमें एनरोल करिए और फिर वहां से देखिए आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है, जो बहुत से लोगों की हो रही है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। अब हम समझते हैं 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो अब हम अवेयर होकर करेंगे, जिससे कि मैं अपना मैनिफेस्टेशन को पूरा करूंगा। पहला स्टेप है टू रेज योर अवेयरनेस। मेरे अंदर अवेयरनेस होने चाहिए किस चीज की, कि जो वो सपना है, जो गोल है, वो मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता। आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, साथ में अपने साथ बैठिए बिल्कुल अकेले और लिखिए कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ, मैं क्या चाहता हूं इस जिंदगी से। उसके बारे में 4 से 6 लाइनें लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे क्यों ये चीज चाहिए। बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। देखिए, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। ज्यादातर लोगों के सपने पता है उनको थोपे गए हैं कि उनके फादर, उनके मदर ने कहा नहीं बेटा तुमको तो IAS बनना ही बनना है। वो बेचारा शायद एक्टर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप पे कोई चीज थोपी जाएगी, प्रेशराइज की जाएगी, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि एक नेगेटिव फीलिंग निकल रही है। तो आपको अपना अवेयरनेस पैदा करना है और आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट लाइफ, और तभी वो मैनिफेस्टेशन होगा। पहला है रेज योर अवेयरनेस। सेकेंड पॉइंट इज फोकस योर अटेंशन। आपने अब डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरा सपना है, मुझे अचीव करना है, तो अब आपको 21 दिन तक अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर वे में मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मैं बोल कैसे रहा हूं, किस तरह से उस गोल के प्रति। अगर मेरे पास वो महंगी सी कार होगी तो मेरा अंदर की फीलिंग क्या होगी, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंटली घूमूंगा, मैं अच्छे से घूमूंगा, मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा, मैं प्राउड फील करूंगा, राइट? तो जो भी आपका सपना है, आपने उसको इस तरह से आपको एनहांस करना है अपने माइंड में कि एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट थिंग। और फिर उसके बाद आपको वो अटेंशन देखना है अपने आप को। 21 दिन तक अपने आप को एनालाइज करिए कि आप रो रहे हैं बैठ के कि यार कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कि नहीं, कि मेरा जो अटेंशन स्पैन है, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, मैं खुश रह रहा हूं कि नहीं रह रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं समझ क्या रहा हूं। 21 दिन तक एनालाइज करिए, अपने अटेंशन को समझिए, और ये 2 पॉइंट्स करके आप 50% मैनिफेस्टेशन आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि असली कहानी, असली जंग यहां पे चल रही है। जिसने यहां पे जंग जीत ली, ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स तो हो ही जाएंगी। 3rd पॉइंट इज डू योर प्रैक्टिसेस। अब आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। क्या प्रैक्टिस करनी है? यू हैव टू विजुअलाइज। आपको सारी टेक्निक्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैनिफेस्टेशन की, जो पुराने वीडियोस में, वो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अब प्रैक्टिस करना है इन द वे कि मैं ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुका हूं और मैं उसकी एक मूवी बना रहा हूं अपने माइंड में। पहले 2 स्टेप करने के बाद जब आप मूवी बनाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपके जो फोकस है वो उसी गोल के प्रति होगा। जो नेगेटिविटी का जो पहाड़ है, जो क्लटर है, जो क्लाउड्स है, वो हटने शुरू हो जाएंगे, और जहां पे हमारा फोकस होगा ऑटोमेटिकली वो चीज विजुअलाइज आप कर पाएंगे अच्छे से, और वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आपको यूनिवर्स ऐसे लोगों से मदद मिलेगी, आपको ऐसे सिचुएशन में आप टकराएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज आएंगे, कहीं ना कहीं से कोई फोन कॉल आएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आपको मदद करेगा उस गोल को और एक स्टेप आगे लेने पे और वहां से आपको अचीव करने में। 4th पॉइंट इज टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो इंसान जीतता है और जो इंसान हारता है, आपको चाहे आप जीत रहे हैं चाहे आप हार रहे हैं, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेम आपको ही लेना है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, काश मेरे फादर बहुत अमीर होते, अडानी अंबानी होते, तो आज मैं, मेरी लाइफ कुछ अलग होती। ये लूजर स्टॉक होते हैं, ये बिल्कुल लूजर स्टॉक होते हैं। आपको अकाउंटेबल होना है खुद के प्रति कि जो सिचुएशन है तो है, अब नाउ व्हाट, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये सब कर सकता हूं जो 3 पॉइंट्स हैं। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे, 21 दिन तक करिए, अपने आप को देखिए, एनालाइज करिए कि मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे बर्ताव कर रहा हूं, मेरा नजरिया क्या है जिंदगी देखने का। और अगर आप पॉजिटिव वे में जिस तरह से मैंने बताया वैसे कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए कि हाँ तुमने अच्छा किया, गुड, चलो आज लेट्स से चॉकलेट खाते हैं या चलो आज कुछ और एंजॉय करते हैं। और अगर आप नेगेटिव हैं, तो आप अपने आप को खुद पनिशमेंट करिए, आप अपने खुद के टीचर बनिए, सो दैट आप अपने आप को मार्क्स दे पा रहे हैं कि क्या मैं सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं कि मैं फिर से फेलियर होता चला जा रहा हूं। यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन लाइफ।
दूसरों को ब्लेम करना बड़ा आसान है। जब हम ब्लेम करते हैं ना, उंगली दिखाते हैं ना किसी को इस तरह से, तो एक उंगली तो उधर दिखा रहे हो, बट ये जो तीन उंगलियां हैं वापस आपको पिन पॉइंट कर रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो मेक श्योर अपने आप को अकाउंटेबल रखो। हमने इस वीडियो में समझा कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है विद एन एग्जांपल, और ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिससे हम मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं। आप इसको करिए, अपने आप को चेंज करिए, चीजें अमल करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। लिखिए कि यस आई एम रेडी टू चेंज माय लाइफ इन 21 डेज। मैं 21 दिन में अपनी जिंदगी चेंज करने जा रहा हूं, जिससे मुझे पता लगे आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप एक्चुअल में सीरियस है अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। और अगर आप बहुत कुछ ढंग से सीखना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। दिस विल ट्रूली चेंज योर लाइफ। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाया होगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर।